हेलो भाई जी, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉवर्स इन पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि डेली हम लोग सुबह जो है इतने ही समय न्यूज़पेपर में एजुकेशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ होती है उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो हम लोग देर नहीं करेंगे और चलिए देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ है, और जितनी भी न्यूज़ है उन सभी लोगों की जो हेडलाइन है वो हमने सामने रख दी है। स्कॉलरशिप संबंधित न्यूज़ भी है, और ऑनलाइन क्लास के लिए कुछ कॉलेज वाले जबरदस्ती कर रहे हैं उस पर भी न्यूज है, आईआईटी एनआईटी पर न्यूज है, और यूपीसीईटी पर भी न्यूज है। तो हम लोग देर नहीं करेंगे, बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ। लेकिन उसके पहले आपको डेली यहां पर न्यूज मिल जाए ताकि आपको कोई और न्यूज पेपर ना देखना पड़े, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा ताकि आप हर एक अपडेट को सबसे पहले पढ़ सकें। चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ। सबसे पहली जो न्यूज हमारी है वो है यूपीसीईटी की नई प्रस्तावित तिथि अब 15 जून को। यहाँ पर लिखा हुआ है सीधे से कि प्रदेश के फार्मेसी मैनेजमेंट व इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। इस बार प्रवेश परीक्षा 15 जून को प्रस्तावित किया गया है। हालांकि यूपीसीईटी में बीटेक के साथ बीटेक बायोटेक और बीटेक एग्रीकल्चर कोर्स को शामिल कर दिया गया है। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा का आयोजन देश भर के 61 शहरों में होगा। चलिए यहाँ पर लिखा गया है, उसके बाद लिखा है, गौरतलब है कि सबसे पहले यूपीसीईटी 16 मई को प्रस्तावित किया गया था। पहले जो पेपर होने वाली थी वो 16 मई को होना था, लेकिन अब जो है कोविड की वजह से आप सबको पता है सारी परीक्षाएं स्थगित की जा रही हैं, वो आपका 15 जून को पहुंच चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है अभ्यर्थी अब 10 मई तक कर सकेंगे आवेदन। जो आवेदन की जो तिथि थी उसको भी 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बार दाखिला प्रक्रिया लगभग एक माह देरी से शुरू हुआ है। इसके कुछ दिन बाद कोरोना संक्रमण भी तेजी से बढ़ने लगा। सूत्रों का कहना है कि ऐसे में यूपीसीईटी के लिए अपेक्षित आवेदन नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 10 मई कर दी गई है। अभ्यर्थी इस दिन तक बिना विलंब शुल्क के एनटीए और एनआईसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि पहले जो एग्जाम यूपीसीईटी का 16 मई को होना था अब उसको बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है, लगभग एक महीना बढ़ा दिया गया है। उसके बाद में जो लास्ट डेट 30 अप्रैल थी आवेदन करने की, उस लास्ट डेट को बढ़ाकर 10 मई कर दिया गया है। ये दो चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और तीसरी चीज़ आपको इस न्यूज़ से याद रखनी है, और वो याद रखनी है, कोरोना और बोर्ड परीक्षा की वजह से बढ़ाई तारीख, प्रवेश परीक्षा में अब बायोटेक और बीटेक एजी वाले भी शामिल हो सकेंगे। तो जो लोग यूपीसीईटी के न्यूज देखना चाहते हैं उनके लिए ये न्यूज मुझे लग रहा है पूरी कंप्लीट हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज पर। तो अगली न्यूज हम लोगों की आ जाती है, नहीं मान रहे स्कूल, ऑनलाइन क्लास के लिए अध्यापकों पर आने का दबाव। लिखा है, कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने और लगातार लोगों की मौत। अब आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना इतना ज़्यादा फैल रहा है कि सभी जो टीचर हैं वो घर पर ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं। ऐसे में कुछ कॉलेज वाले हैं जो टीचरों पर दबाव बना रहे हैं। हम पूरी न्यूज़ को पढ़ते हैं थोड़ा सा। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने और लगातार लोगों के मौत के मुँह में जाने के बाद प्रदेश सरकार के निर्देश पर शिक्षकों के वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया है। सरकार के निर्देश के बाद भी शहर के कुछ निजी स्कूल में शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास के लिए जबरन बुलाया जा रहा है। यानी कि वहां के जो शिक्षक हैं किसी कॉलेज के, भाई कॉलेज वाले ऑनलाइन तो चला रहे हैं, कुछ जो शिक्षक हैं उनको जबरदस्ती बुलाया जा रहा है कि नहीं आपको आना कंपलसरी है। हालांकि जो सरकार है, सरकार ने ये कहा है कि जो टीचर आना चाहता है सिर्फ उन्हें ही बुलाइए, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं सिर्फ उन्हें ही ऑनलाइन क्लास करवाइए। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है कि कुछ कॉलेज वाले जबरदस्ती शिक्षकों को बुला रहे हैं कि आइए और आप यहाँ कॉलेज से ऑनलाइन क्लासेस कराइए। हालांकि सरकार ने कहा है कि जो भी टीचर हैं अपने घर पर रहें और वर्क फ्रॉम होम के तहत घर से ही ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या चल रहा है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अब आती है हम लोगों की स्कॉलरशिप की न्यूज, ठीक है। स्कॉलरशिप संबंधित न्यूज हम लोग देखते हैं, 1.5 लाख लोगों को नहीं मिली छात्रवृत्ति। न्यूज देख लेते हैं क्या है, ये न्यूज आपकी है NTSE। आपको मैं सबसे पहले न्यूज पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि चाहे जो स्कॉलरशिप हो, चाहे नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप हो या किसी भी तरीके की स्कॉलरशिप हो, या यूपी की स्कॉलरशिप हो या किसी भी स्टेट की स्कॉलरशिप हो, जैसा कि मैंने परसों की वीडियो में अपना बताया था कि कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप पर भी चोट लगी है, और वो भी बहुत गहरी वाली चोट लगी है। क्योंकि हर बार क्या होता था कि 60-70% बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती थी, सिर्फ 25-30% लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब की बार हुआ है सिर्फ उसका उल्टा, मिली है सिर्फ 25-30% लोगों को स्कॉलरशिप
और 70% लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। कोई कुछ भी कह ले कि कोरोना का असर छात्रवृत्ति पर नहीं पड़ा है, लेकिन मैं मानने को ये बिल्कुल तैयार नहीं हूँ और ना ही मेरे बच्चे मानने को तैयार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बजट था स्कॉलरशिप का वो कोरोना में चला गया, खत्म हो गया। बिल्कुल सही चीज है। और 5 अप्रैल के बाद में किसी की भी स्कॉलरशिप नहीं आई है, वैसे इक्के दुक्के किसी की सर्वर प्रॉब्लम की वजह से आ गई हो तो आ गई होगी, लेकिन पिछले 20 से 21 दिन हो गया है बच्चों का कोई भी स्कॉलरशिप नहीं आया है, कुछ भी नहीं आई है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये न्यूज़ क्या है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लिखा है NTA SE में पास 1.5 लाख छात्रों को वजीफे का इंतजार, लिखा है प्रयागराज की न्यूज है। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रतिभा खोज होती है ना, में सफल छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी है। 10वीं परीक्षा पास करने के साल भर बाद NTAC पास करने वाले छात्र 11वीं से 12वीं पहुंच गए, परंतु उन्हें अब तक उनका रिजल्ट नहीं मिला। छात्रों एवं अभिभावकों का आरोप है कि छात्रवृत्ति परीक्षा 2 साल से हो रही है, परंतु उन्हें रिजल्ट नहीं मिला। इसमें 2019 की परीक्षा का फाइनल रिजल्ट एवं 2020 के पहले चरण की परीक्षा का रिजल्ट शामिल है। हालांकि यहाँ पर जो स्कॉलरशिप की बात हुई है वो NTAC में स्कॉलरशिप होता है, यहाँ पर प्रतिभा खोज परीक्षा होती है। उस प्रतिभा खोज परीक्षा में जिन लोगों को अच्छे नंबर मिलते हैं, अच्छे अंक मिलते हैं, उन्हीं को मिलती है स्कॉलरशिप। हालांकि ये तो बात होगी NTAC की, बाकी बहुत सारे बच्चे जो हैं 70% बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कॉलरशिप अभी भी नहीं आई है, ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से है। जब मैं समाज कल्याण विभाग ऑफिस गया, मैंने खुद बात किया उनसे कि क्या बात है, क्यों नहीं स्कॉलरशिप आ रही है, तो उन्होंने सीधा यही बता दिया कि पहले तो उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से जो कार्य प्रणाली है वो ठप पड़ी है, जितनी फाइलें जहां पर हैं वहीं पर रखी है, कोई उसको लाता नहीं है, ना ही हमारे पास स्टाफ की कमी है, ये बात उन्होंने बताई। दूसरी चीज जो है पंचायत चुनाव, 2 तारीख को जो है चुनाव खत्म हो जाएगा, आज जो है 3रे चरण का चुनाव है और 2 मई को जो है इसका वो काउंटिंग वगैरह हो जाएगी और उसके बाद में ही कुछ चांसेस हो सकते हैं आ जाएं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं, सभी गवर्नमेंट की बहाना है। ठीक है, अभी तक कोरोना जब थोड़ा सा डाउन था तब तो दे नहीं पाए लोग, तो कहीं ना कहीं बहाने ही हैं, बच्चों को जो है इधर से उधर उलझाते रहते हैं ये लोग कि हाँ किसी ना किसी तरीके से स्कॉलरशिप ना दी जाए। तो बात चाहे किसी भी स्टेट की स्कॉलरशिप की हो, चाहे NTAC की हो, या कहीं पर भी कोई प्रतिभा खोज हो, जहां पर बात छात्रों की हित की आती है, जहां पर छात्रों को 2 पैसे मिलने होते हैं, वहां पर सारी गवर्नमेंट्स अपनी हाथ खड़े कर लेती हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो ऐसा ही हाल यूपी स्कॉलरशिप में चल रहा है, यानी हर एक जगह पर स्कॉलरशिप में बच्चों की गर्दन पर तलवार रखी गई है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की, तो लगभग ये हमारी सारी न्यूज हो चुकी है और IIT और NIT की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी, ये एक न्यूज बच रही है, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको भाई जाहिर सी बात है किसी के यहाँ एक न्यूज पेपर आता होगा, किसी के यहाँ एक भी न्यूज पेपर नहीं आता होगा, तो आपको जाहिर सी बात है एजुकेशन से संबंधित अगर आप हो तो आपको डेली उसकी न्यूज चाहिए, तो आपको इसी समय डेली आपको न्यूज मिल जाया करेगी, जितनी भी न्यूज पेपर में न्यूज होगी वो सारी न्यूज आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है, IIIT और NIT में सभी परीक्षाएं ऑनलाइन, प्रयागराज से न्यूज है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी IIIT में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बीते वर्ष की ही तरह अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। कोरोना संक्रमण की वजह से दोनों संस्थानों में साल भर से अधिक समय से कक्षाएं एवं परीक्षा दोनों ऑनलाइन मोड में हो रही हैं। दोनों संस्थाओं की ओर से कोरोना संक्रमण की वजह से क्रमशः 30 एवं 26 अप्रैल तक अवकाश है। ठीक है, IIIT परिसर में संक्रमण की स्थिति की ओर देखते हुए यह तय किया गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी परीक्षा ऑनलाइन ही ली जाएगी। तो एक बात मैं बता दूं आपको, चाहे IIIT हो और चाहे NIT हो, इन दोनों जो है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, ये लोग ऑनलाइन परीक्षाएं ले सकती हैं। बाकी और भी जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर ऑनलाइन परीक्षा का प्रावधान नहीं है, तो वो लोग जो फर्स्ट ईयर हैं, सेकेंड ईयर हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, इन बच्चों को सिर्फ उनको प्रमोट करने के अलावा और कोई रास्ता इनके पास नहीं बचता है। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जाहिर सी बात है वो प्रमोट ही होंगे, जैसा कि आपको पता है लखनऊ विश्वविद्यालय ने कल ही प्रस्ताव भेज दिया है अपने यहाँ के फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोट करने के लिए। तो बाकी जैसी भी न्यूज होगी आपको आगे मिलती रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।